सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के सदैव अटल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती है और देश के तमाम गणमान्य लोग यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल, और कार्यक्रम रखा गया है, बेहतरीन ये कार्यक्रम है। तस्वीरें देख सकते हैं हम, ये सीधी लाइव तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है और कितना खूबसूरत ये नजारा इस वक्त नजर आ रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कविताएं लिखी, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर ही रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत इतना जनता के लिए बनी है कि अभी इस वक्त हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं और उनकी जयंती को उनके जाने के बाद भी इस तरीके से मनाया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत खास हो जाता है ये कार्यक्रम। जी, अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने जिंदगी के हर पक्ष को हम सभी के सामने रखा है कि किस तरह से जिंदगी में तमाम चीजों का सामना करना चाहिए और हर परिस्थिति में किस तरह संयम और धैर्य के जरिए हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं उनके जयंती के मौके पर और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम गणमान्य धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। बिल्कुल, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तमाम गणमान्य लोग। और सदैव अटल से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अगर बात की जाए उनके व्यक्तित्व की, न सिर्फ एक अच्छे राजनेता थे बल्कि अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो भी इस तरीके का था कि सभी के साथ बहुत ही सरल सहज तरीके से वो बात किया करते थे। और उसके बाद उनके जाने के बाद भी बहुत सारे लोग उन्हें एडमायर भी करते थे, जिनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत रह चुके हैं। उन लोगों के लिए भी आज एक खास दिन है क्योंकि आज उनका उनकी जयंती है। उसके बाद अनूप जी के द्वारा भक्तिमय संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी श्रद्धेय अटल जी को। और जब भक्ति संगीतमय श्रद्धांजलि दे दी जाएगी, उसके बाद आप सभी से निवेदन है कि कृपया उस वक्त आप लोग अपने स्थान से खड़े होकर श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो सदैव अटल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती मनाई जा रही है। तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तमाम ऐसी योजनाओं को लागू किया था जिसके चलते देश को काफी तरक्की मिली, लाभान्वित हुआ देश। लेकिन न सिर्फ एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने कार्यों के जरिए उन्होंने पहचान बनाई है, बल्कि कवि के तौर पर भी पहचान बनाई। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इंसानियत की पराकाष्ठा, जन जन से प्रेम करने वाले ऐसे थे जननायक श्री अटल जी। कहते हैं कर्तव्य के पुनीत रथ को हमने श्वेत से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैत्यम न पलायनम। कारगिल के जांबाज सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए अटल जी ने कहा था, हमें आपकी वीरता पर गर्व है, आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं, पूरा देश आपके साथ है, हर भारतीय आपका आभारी है। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व, क्षमता और लोकप्रियता के कारण वे 4 दशकों से भी अधिक समय तक संसद के सदस्य रहे। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान कृष्ण की राजनीतिक कुशलता
और आचार्य चाणक्य की दृढ़ता थी और निश्चय था। वे अपने जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अर्पित करते रहे। उनका ही तो उद्घोष था, हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। वे कहते थे, भारत के लिए मैं हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव करूंगा। न दैत्यम न पलायनम, यही तो था उनके जीवन का आदर्श। प्रलय घनों का वृक्ष चीर कर, प्रलय घनों का वक्ष चीर कर, अंधकार को चूर चूर कर, ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर। आंधी आंधी लघु लघु दीप बुझाती, पर धधकाती है दावानल, कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला कौन बुझाएगा किस में बल। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। कुछ ही समय के बाद माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ हमारे बीच होंगे। अद्वितीय व्यक्तित्व, भारतीय राजनीति के अटल ध्रुव, श्रद्धेय अटल जी, अथक अटूट राष्ट्र श्रद्धा कार्य प्रेरणा उनकी, एक अमर बरगद का वृक्ष है जो युगों युगों तक हम सबको प्रेरणा की छाया देता रहेगा। और ये वक्त जब माननीय राष्ट्रपति जी, सदैव अटल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि आज 95वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उनकी जयंती के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आप देख सकते हैं, जो उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं सदैव अटल से इस वक्त, क्योंकि तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मौका जो है इकट्ठे होने का वो ये है कि जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने हर किसी को प्रेरित किया है। शायद ही भले ही कोई हो जो इस तरीके का जिक्र करे उन्हें लेकर, लेकिन जो है उन्होंने अपनी कविताओं से, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर से हर किसी को प्रेरणा दी है। जी, एक सच्चे राष्ट्रभक्त के तौर पर भी उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। उनकी उपलब्धियों को याद किया जा रहा है आज का दिन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिन। आज पूरा देश उनके जयंती को मना रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली से, सदैव अटल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी। तो लगातार लोगों के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। मंत्रियों की बात की जाए, मंत्री भी लगातार पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अभी भी शिरकत की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, पुष्प माला अर्पित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुष्पांजलि अर्पित की है उन्हें, और इसके साथ ही तमाम गणमान्य धीरे धीरे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पूर्व पीएम की 95वीं जयंती है, एकजुट चलने का संकल्प। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, एक सच्चे राष्ट्रभक्त के तौर पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और आज सभी उन्हें नमन कर रहे हैं। अर्पित की श्रद्धेय अटल जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। जब अटल जी की याद स्मृतियों में घुलती है तो अटल विश्वास, अटल संकल्प, अटल सत्य, अटल ध्रुव जैसे शब्दों की सार्थकता समझ में आने लगती है। वे हमारे स्मृतियों में, आदर्शों में हमेशा सदैव अटल रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।
आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी पुष्प अर्पित करते हुए। अटल जी ने कहा था, भारत सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, कोई भी बाधा क्षितिज पर फैले प्रकाश को रोक नहीं सकती। गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, भावांजलि अर्पित करते हुए, आज हम सब अटल जी को बहुत याद कर रहे हैं। वो हमारे आदर्शों में हमेशा जिंदा रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, रिस्पेक्टेड श्री वी के मल्होत्रा, अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष, श्री वी के मल्होत्रा जी ने भी अर्पित किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और अब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और अटल जी के परिवार के सदस्यगण भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धेय अटल जी को। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सदैव अटल से।